में इम्यून है, ऑटोइम्यून जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है कि अपने आप ही जो है अंदर ही अंदर से होते हैं, अंदरूनी बीमारी है, ये एक्चुअली बाहर एक्सटर्नल फैक्टर से नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें ही हैं, कुछ मात्रा से जेनेटिक है जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कुछ एनवायरमेंटल है, बट डेफिनेटली इट इज़ अ डिजीज विच इज़ ऑटो इम्यून, सो इट कुड हैपन एनी टाइम, मतलब बचपन से लेके बुढ़ापे तक, मतलब किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, ऐसे नहीं, ज़रूरी नहीं है कि बचपन में हुआ तो बाद में नहीं हो सकती, या आपको बचपन में नहीं हुआ तो आपको बुढ़ापे में नहीं हो सकता, तो किसी भी टाइम हो सकता है बिकॉज दिस इज ऑटो इम्यून। ऑटोइम्यून की जहाँ बात आती है तो सबसे कॉमन जो बीमारी है थायराइड की बीमारी है जो कि एक ऑटोइम्यून कंडीशन होती है, तो उसमें भी कोई चीज़ आपको पता नहीं लगता कि मेरे को थायराइड क्यों हो गया, बट वेरी कॉमन है हमारे समाज के अंदर, आपके घर में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको थायराइड की कोई प्रॉब्लम रही हो। तो थायराइड भी एक ऑटोइम्यून कंडीशन है जिसके अंदर आपकी अपनी जो शरीर की इम्यूनिटी है वो आपकी बॉडी के अगेंस्ट काम कर रही है, और विटिलाइगो भी एक ऑटोइम्यून कंडीशन है जिसके अंदर आप ही के बॉडी के अपने सेल बिगड़ गए हैं, ठीक, और वो आप ही की बॉडी के कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स जो मेलानोसाइट्स हैं उनको मार रहे हैं, ठीक है, तो बच्चा बिगड़ गया है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि उसको अगर हम सप्रेस करें, ठीक, कि भाई तुम शांत हो जाओ तो बीमारी रुक जाएगी, और जब हमने शांत करके रखा हुआ है तो रंग बनाने की जो दूसरे ट्रीटमेंट है वो हम देते हैं कि हाँ जी रंग आ गए, एक बार रंग आ गए तो जो हमने बीमारी को शांत करके रखा हुआ है वो दवाइयां धीरे धीरे हटाते हैं कि अब तक इम्यूनिटी ठीक हो गई होगी, जो हम रंग वापस ले आए हैं वो रहेगा। बॉडी के अंदर कोई विटामिन वगैरह है या कुछ सेल्स वगैरह है या सेल्स वगैरह कुछ भी होने की वजह से जो इंटरनल स्टार्टिंग होती है इसकी, ऐसा नहीं है, किसी कमी से होती है उनकी वजह से होती है एक्सटर्नल, जाम्स वगैरह तो ऐसे कुछ नहीं है, जाम्स वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो पॉपुलेशन जो बार बार हम लोग स्ट्रेस कर रहे हैं अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करें तो इसमें ना कि टेररिज्म है ना आपके अंदर, जैसे हमारा कंट्री इंडिया, इंडिया के अंदर टेररिस्ट पैदा हो गया, तो टेररिस्ट पैदा होने के कारण से क्या होता है कि हम अपने लोगों को मार रहे हैं, तो इसमें होता क्या है कि ये जो नरोनोसाइट है उसके अगेंस्ट में एक तरीके की टेररिज्म पैदा हो गया है हमारे बॉडी के अंदर, सो दिस इज द मेन फैक्ट, तो ये है ऑटोइम्यून की मेन ग्राउंड, मतलब बॉडी अपने ही सेल्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, ठीक है, कैसे कंट्रोल करना चाहिए ये उसको, फिर मेंटेन कैसे करना चाहिए, कुछ डाइट में मेंटेन करना चाहिए या एक्सरसाइज से, या इन फैक्ट वो डाइट वगैरह से किसी से नहीं होता, मेंटेन नहीं हो सकता, बिकॉज ये देखो जैसे हम लोग जैसे कंट्री के हम एग्जांपल ले लेते हैं तो हम उसमें कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्या होता है कि शुगर को कंट्रोल करने वाली सेल्स जो होती है जो हार्मोन सिक्रीट करती है उसको बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म खा जाती है, डिस्ट्रॉय करती है, वैसे ही इसमें क्या होता है कि जो मेलानोसाइट्स स्किन में हैं वो मेलानोसाइट्स बॉडी के इम्यून सिस्टम की सेल्स जिनका काम होता है कि डिफेंस, तो डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स, यदि कोई बैक्टीरिया का इन्वेजर है तो उसको किल करना है, पर यहाँ वो अपनी ही सेल्स जो अपनी ही मेलानोसाइट्स हैं उन्हीं को किल कर देंगे। आपका दूसरा क्वेश्चन, क्या कोई विटामिन डेफिशिएंसी या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या इन चीज़ों से ये हो सकता है, तो डायरेक्ट लिंक नहीं है लेकिन कुछ कारणों से ये प्रेसिपिटेट हो सकती है ऑटोइम्यून, तो उसमें यदि जनरल हेल्थ अच्छी है दैट्स अ गुड साइन, वी हैव टू मेंटेन, क्योंकि जो दवाइयां हम देते हैं इसमें इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए उनके अपने साइड इफेक्ट भी होते हैं, और वो साइड इफेक्ट उन लोगों में ज़्यादा अच्छे से टॉलरेट हो जाते हैं जिनकी जनरल हेल्थ अच्छी है, तो जनरल हेल्थ अच्छी होना तो बहुत अच्छी बात है, वो विटिलाइगो में भी हेल्प करती है, कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज का एसोसिएशन इसके साथ है बट बहुत प्रूवन एसोसिएशन नहीं है। ये दवाई सर वो टैबलेट में है या क्रीम में है? दोनों, जब अर्ली स्टेज होती है तो हम लोग क्रीम से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और जैसे कि अभी बताया डॉक्टर रश्मि ने फोटोथेरेपी होती है उसमें कुछ रेज स्किन पे हम डालते हैं जिससे कि मेलानोसाइट स्टिमुलेट हो जाए और जो ऑटो इम्यूनिटी है वो सप्रेस हो जाए, जैसे जो बचे कुचे सेल्स है ना जो रंग बनाने वाले सेल्स है उनको भी स्टिमुलेट किया जा सकता है, एक तो है कि बिल्कुल वो चले गए अलग बात है, एक है कुछ रह जाते हैं तो उनको स्टिमुलेट कर देती है फोटोथेरेपी जो है, उससे होता है कि रंग दोबारा फिर से आ जाता है, और ये फोटोथेरेपी यूनिट्स
लगभग सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो दिल्ली में हैं, हर जगह है, प्लस प्राइवेट में भी है, तो ये एक्चुअली एक पुराना ट्रीटमेंट है लेकिन काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। आपको बहुत एक्सपेंसिव कॉस्टली ट्रीटमेंट की तरफ भी नहीं जाने की ज़रूरत है। फोटोथेरापी और मेडिकल थेरापी काफ़ी हद तक मतलब इसको ठीक कर सकती है, जैसे डॉक्टर साहब। मैडम सर, मेडिसिन तो वो रोकने के लिए कि यहाँ तक रुक गया, लेकिन जो पहले से पड़ गया तो उसके लिए फिर वही ग्राफ्टिंग करना पड़ेगा? नहीं, ग्राफ्टिंग जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, सीधा हम ग्राफ्टिंग नहीं करेंगे। पहले हम मेडिकल से कोशिश करते हैं। ग्राफ्टिंग कब करते हैं? जब ये जो बीमारी है स्थिर हो जाती है, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है कि और बढ़ नहीं रही है, एक साल तक नहीं बढ़ रही है, और ऐसे एरियाज में है जिसपे वो मेडिकली मतलब ठीक नहीं हुई है, तब जाके है कि जो डॉक्टर साहब बता रहे थे आप सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं, या ऐसे एरियाज में करते हैं जो देखते हैं आपको, जैसे एक सिंगल पैच है नज़र में आ रहा है, तो वहाँ पे फिर स्टिल है बीमारी और हम सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे स्किन ग्राफ्टिंग या फिर सक्शन ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग, या जैसे मेलानोसाइट जो सेल्स आपके ठीक है रंग बनाने वाले, ऐसे भी तो एरिया है ना बॉडी में जहाँ आपके ठीक है, वहाँ से निकाल के इस जगह पर फिर वो लगा देते हैं, उससे फिर शुरुआत हो जाती है और रंग वहाँ पर फैल जाते हैं। ये नहीं कि सर्जिकल ट्रीटमेंट स्ट्रेट करते हैं, लेकिन ये एक डेफिनेटली एक मोडालिटी है आपके पास। जो सफेद ऑलरेडी है वो फोटोथेरेपी से उनमें ज्यादातर हिस्सों में कलर आ जाता है। सर, कौन सी पद्धति अच्छी है, एलोपैथिक या होम्योपैथिक भी आजकल इसका इलाज कर रहे हैं? होम्योपैथिक थोड़ी कम कर रहे हैं। सबसे खराब आता है उंगलियों के ऊपर जो टिप्स पे, डिजिटल टिप्स, जहाँ जहाँ मांस है वहाँ अच्छा रिजल्ट आएगा, जहाँ जहाँ शरीर खत्म हो रहा है, जिस तरह लिप्स शरीर खत्म हो रहा है, उंगलियों की शरीर खत्म हो रहा है, पैरों की उंगलियां शरीर खत्म हो रहा है, मांस भी नहीं है शरीर खत्म हो रहा है, वहाँ जो है वहाँ रंग आने का सबसे कम चांस रहता है। और दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट परेशान रहे, हर पेशेंट ट्राई कर रहा है उसका ठीक नहीं होता और हमें सर्जिकल पे जाना ही पड़ता है। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो कि अगर अर्ली फेज में आ गए तो मेडिसिन से ही उनको ठीक करा जाता है, और अगर मेडिसिन ठीक नहीं कर पा रही हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि पैचेस बढ़ नहीं रहे हैं, स्टेबिलिटी का इसके अंदर क्राइटेरिया आता है जो डॉक्टर साहब ने बताया कि एक साल तक बढ़ना नहीं चाहिए बिना दवाई के, दवाई के साथ ही बिना दवाई के अगर वो एक साल तक नहीं बढ़ा तभी उसके ऊपर सर्जरी करनी चाहिए ताकि उसका असर आए। और जिस तरह ये आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सर्जरी का भी रिजल्ट आता है, तो एकदम नहीं आता, तकरीबन 2 से 3 महीने के अंदर आता है, जैसे जैसे वो जो कण हमने डाले हैं जो कि रंग बनाते हैं वो फूटना शुरू करते हैं, उसके अंदर से रंग आना शुरू होता है, तो पैचेस कंट्रोल हो जाते हैं। जहां तक सवाल है कि समाज के अंदर जिस तरह हमने बताया कि माइकल जैक्सन को था तो लोगों को पता नहीं था, लोग तो ये सोचते थे कि उससे सफेद होने की सर्जरी कराई है, तो ऐसे भी लोग होते हैं जब हम कुछ नहीं कर पाते, 90% बॉडी जो है वो सफेद हो गई है और बाकी काला रह गया है, तो वो परेशान है कि अब क्या करें, तो ऐसी भी क्रीम आती है कि पूरा शरीर ही सफेद हो जाए, कि जो 10% कई भाग में बच गया है जो कि उसको परेशानी दे रहा है, तो हम दवाई लगा के उसको भी सफेद कर दे ताकि स्किन टोन तो कम से कम एक हो जाए, इस तरफ नहीं ला पाए तो दूसरी तरफ भी पूरा कर दे। जैसे आप बोल रहे, इट इज नॉट द इन्फेक्शन, तो